हम हैं आज एडिनब्रा में और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना एडिनब्रा का व्लॉग। हमारा फर्स्ट स्टॉप है स्कोट मॉन्यूमेंट। ये अप्रॉक्सीमेटली 1840 में बना था और अराउंड 200 ईयर्स ओल्ड है। इसे बनने में 5 इयर्स लगे थे और वहाँ वेवरली स्टेशन से जस्ट 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। स्कॉट मॉन्यूमेंट देखने के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन देखने। हमारा सेकंड पॉइंट है प्रिंसेस स्ट्रीट और क्योंकि स्प्रिंग सीजन है तो ये पूरी रोड पर चेरी ब्लॉसम्स हैं। तो यहाँ से हॉट चॉकलेट लेने के बाद हम चलते हैं प्रिंसेस स्ट्रीट घूमने। हम हैं हमारी थर्ड लोकेशन पर और ये है हमारे पीछे रोज फाउंटेन और एग्जैक्टली इसके पीछे दिखाई दे रहा है एडिनब्रा कैसल। हमारा फोर्थ पॉइंट है नेशनल गैलरी ऑफ स्कॉटलैंड और यहाँ एंट्री एकदम फ्री है पर आपको 5 बजे से पहले आना होगा। अभी 5 बज चुके हैं तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। हम हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर और ये है पॉइंट 5 जिसका नेम है टोलबूथ कर्क और ये लोकेटेड है कैसल और रॉयल माइल के बीच में और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ऐसा माना जाता है कि एडिनब्रा की विजिट अधूरी है अगर आप यहाँ नहीं आए तो। अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन है रॉयल माइल। और ये काफी हैपनिंग स्ट्रीट है जहां आपको बहुत सारे आर्टिस्ट भी दिखेंगे।
हम लोग सिटी बाय वॉक एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट सिटी बसेस अवेलेबल रहती हैं अगर इन केस किसी को बाय बस ट्रेवल करना है तो। अब हम हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर और ये है कलरफुल विक्टोरिया स्ट्रीट। हमारी नेक्स्ट लोकेशन है ग्रास मार्केट जो काफ़ी हिस्टोरिक पॉइंट है। यहाँ पुराने टाइम में पब्लिकली क्रिमिनल्स को फांसी दी जाती थी, बट आज ये बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। यहाँ पर शॉप्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज हैं। स्कॉटलैंड की लड़कों की ट्रेडिशनल ड्रेस है जो ये पार्टीज में या शादी में पहनते हैं। ये देखिए क्यू, ये किसी लोकेशन को देखने के लिए नहीं आए बल्कि यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है तो ये उसकी क्यू है। और यहाँ हमने पता किया तो वेटिंग टाइम है ऑलमोस्ट 2 आवर्स, हम इस लाइन में तो नहीं लगेंगे। अब और ये था हमारा वन डे ट्रिप टू एडिनबरा और यहाँ हम कर रहे हैं बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।